हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? भाई मैं कहाँ पे हूँ पता है आपको? चित्रकोंडा। ये जो डैम पीछे आप देख रहे हो चित्रकोंडा है भाई, आपको ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ नीचे देखो फेरीज वगैरह खड़ा हुआ है। तो ये अंदर है ना, कितना बोलते हैं, 15 पंचायत है शायद से इसके अंदर, ठीक है, उस पार, ठीक है। तो उस तरफ ये फेरीज वगैरह जाता है, ये फेरीज वगैरह जाता है, बहुत सारे फेरीज देख सकते हो, बोट कह सकते हो आप, लंच कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जो भी कहो। ये बोट्स वगैरह, बड़े बड़े बोट्स वगैरह, बड़े बड़े गाड़ी लेने के लिए, ठीक है, यहाँ से जाता है। एंड बीच में भाई देखो, ये सारे आइलैंड है, इसके बीच में आइलैंड देख सकते हो ना, ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स है इसके अंदर, ठीक है। चित्रकोंडा डैम कहते हैं इसको। यहाँ पे पानी को स्टॉक किया गया है यहीं पर ऊपर, मैं अंदर नहीं जा रहा। मैं गाइस अंदर नहीं जा रहा, मैं बाहर से ही आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अंदर जाने के लिए हमको पास लाना पड़ेगा, चित्रकोंडा जाना पड़ेगा, पूरा सिटी में जाना पड़ेगा, वहाँ से पास लेके आना पड़ेगा, एंड देन जा सकता हूँ उसके अंदर। बट आई डोंट वांट टू गो देयर। अभी यहाँ से कम 5 किलोमीटर होगा, डोंट वांट टू गो देयर। अभी यहाँ से थोड़ा सा देख लो भाई, बहुत बड़ा है, ठीक है। कुछ इस तरीके का सीन है भाई। आज सुबह सुबह आया हूँ ना, तो यहाँ देखो धुआं धुआं दिख रहा है, देखो छोटा छोटा आइलैंड के जैसा दिख रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो भाई बीच में आइलैंड्स आप देख सकते हो, वहाँ पे जाके मस्त पिकनिक वगैरह होगा बोट लेके जाके, है ना, क्या बोलते हो भाई लोग? यहाँ खड़ा होके मैं शूट कर रहा था, एंड देखो यहाँ से चल के मैं इस तरफ आया, इस तरफ देखो यहाँ पे एक के बाद एक कितने सारे बोट्स। ये एक्चुअली एम्बुलेंस है, क्योंकि बीच में जो गांव वगैरह है ना वहाँ पे, मतलब यहाँ से जो नज़दीक वाले गांव है ना उसके, मतलब उसके साथ ना कोई कनेक्शन नहीं है। एक्चुअली एक ब्रिज तो बनाया गया है जिसे गुरुप्रिया सेतु कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो गुरुप्रिया सेतु जो है वो एक्चुअल में मैं गया नहीं हूँ, कहाँ पता नहीं, तो शायद से यहाँ पे नज़दीक वाले जो गांव है वहाँ से जितने सारे मरीज़ों को लाने के लिए ये बोर्ड वगैरह जो देख सकते हो, ये एम्बुलेंस लिखा हुआ है, ये एम्बुलेंस वगैरह यूज़ करते हैं, ये वाइट एम्बुलेंस, ठीक है, तीन तीन एम्बुलेंस है, उधर और एक है, ठीक है ना, इधर जाऊँगा थोड़ा सा और एक है, सारे के सारे एम्बुलेंस हैं। ये देखो भाई और एक है इधर। तो मतलब यहाँ से चल चल के लोग कितने दूर जाते हैं पता नहीं यार। ये देखो भाई मैं चल चल के कहाँ तक आ गया, बहुत दूर आ गया। ये देखो वहाँ से, यहाँ से मैं कहाँ चला आया, देखो मैं कहाँ चला आया, आगे थोड़ा और भी जाऊँगा। चलो मैं आपको खाली दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि ये जो डैम है बहुत बड़ा है भाई, और अभी तो फिलहाल पानी भी कम है, नहीं तो जब पानी रहता है ना इतना बड़ा रहता है क्या। चलो मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा भाई, थोड़ा पानी के नज़दीक जाऊँगा। ये देखो पूरा मैं नीचे आ चुका हूँ, एंड मैं हूँ भाई पानी के नज़दीक, इतना ज़्यादा नज़दीक क्या ही बताऊँ। ये आपका एम्बुलेंस रहा, ये भाई आपका एम्बुलेंस है, एंड मैं इतना नज़दीक आ चुका हूँ क्या ही बताऊँ आपको। देखो ये रहा डैम भाई, ये रहा। From this way we are reach to Chitrakonda, and this is the way to reach. Okay, we come from here, we're gonna this way, and this is the reservoir you can see. So guys, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये व्यू पॉइंट है, ठीक है, चलो व्यू पॉइंट से मैं आपको दिखाता हूँ कि डैम कैसा दिखता है।
दिस इज द वे टू गो व्यू पॉइंट। ये रहा भाई देखो, ये व्यू पॉइंट है। ये एक फेरी जा रहा है, देखो एक फेरी अभी जा रहा है। एंड वैसे बहुत सारे फेरीज अभी खड़े हैं, वो भी जाने वाले हैं। ये वाला रेडी हो रहा है जाने के लिए, ठीक है ना। बहुत मज़ा आता है। एक बार मैं ना गया था अबाउट सिक्स एंड हाफ आवर्स के बाद, एक गांव पड़ा था, उस वाले गांव में मैं एक बार गया था, बट उसके बाद से मैं गया नहीं। एंड यहाँ से अगर हम अंदर जाएँ ना, जो कि मैं आपको बता रहा था कि अंदर जाने को अलाउड नहीं है, इसके लिए मुझे पास लाना पड़ेगा जाके चित्रकुंडा से। ये बेसिकली चित्रकुंडा से 5 किलोमीटर पहले है, ठीक है। तो वो वाला फेरी जा रहा है भाई। यहाँ पर फ़ोटो वगैरह लेने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे साथ कोई है नहीं, तो मैं फ़ोटो किसको लेने के लिए बोलूँ, समझ रहे हो ना भाई। अभी बोलो कैसा व्यू आ रहा है, वो बोलो आप। बढ़िया लग रहा है ना, पीछे देखो भाई कितना मस्त लग रहा है। एंड बीचों बीच जब जाएंगे तब कैसा मज़ा आएगा भाई। नेचुरल ब्यूटी भरा पड़ा है हमारे आस पड़ोस में, बट हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता, आपको पता रहेगा, है ना, ठीक है। ये देखो भाई, ये रहा भाई, देखो सारे के सारे जो छोटे छोटे आइलैंड्स है वो कैसे दिख रहे हैं। सो गाइस, दिस इज इको पार्क ऑफ चित्रकुंडा। तो इसके बीच मतलब इसके अंदर मैं जा नहीं रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है भाई। अभी जाऊँगा, बहुत एरिया है भाई, पूरा घूमना पड़ेगा, तो हम नहीं जा रहे हैं। थोड़ा सा और फॉरवर्ड चलते हैं और क्या है दिखाता हूँ आपको। सो गाइस, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये रहा भाई बालीमला डैम। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी चित्रकुंडा डैम, देखो बालीमला डैम चित्रकुंडा, ठीक है। ये रहा पे इस तरफ जो दिखा रहा था मैं आपको, वो इको पार्क था। इको पार्क में यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होता है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो रखा गया है। यहाँ से पानी निकलता है, मतलब ओवरफ्लो जो पानी होता है वो ज़्यादा पानी निकल जाता है शायद से, गेट है, दैट्स अबाउट इट। चलो और थोड़ा आगे जाते हैं।